नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 और उसमें हमारा जो विषय है हिंदी, और हिंदी के अंदर भी हमारा जो अध्याय है, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 10, जबकि हमारा ये अध्याय है 11, 11वां अध्याय है हमारा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनके द्वारा जो लिखा गया है वो है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो उससे पहले इनका जो जीवन परिचय है वो पढ़ लेते हैं अपने, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है 1850 में और इनकी मृत्यु 1885 में हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र अधिकारी उत्तराधिकारी रह गए। अब जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, परिवार से जो इनको संपत्ति मिली है काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये एकमात्र उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। अब इन्होंने एक हाई स्कूल प्रारंभ किया है बनारस में, जो कि अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कुशाग्र बुद्धि मतलब तीव्र बुद्धि के थे और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। ये बचपन से ही कविता रचना करते थे। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी। अब जब ये 16 वर्ष के हुए तो इन्होंने ग्रंथ रचना प्रारंभ कर दी थी। लगभग 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1885 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया, यानी कि अल्पायु के अंदर ही इनका देहावसान हो गया 1885 में। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। अब ये गद्य क्या है, तो पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए, जिसमें कहानी उपन्यास नाटक वगैरह लिखे जाते हैं ना, तो वो गद्य हैं। और पद्य में कविताएं वगैरह आती हैं, श्लोक वगैरह कोई हैं वो आते हैं, तो वो सारे पद्य हैं। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। परिमार्जित का मतलब होता है शुद्ध, कि जो गद्य की भाषा थी उसको शुद्ध किया और मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। आपकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की ही बहुतायत है, तद्भव शब्दों की, कि आपकी भाषा के अंदर जो संस्कृत के तद्भव शब्द हैं उनकी बहुतायत है। अब तद्भव यानी कि संस्कृत से जो बने हुए शब्द हैं, तो वे बहुतायत में पाए जाते हैं। लोकोक्तियाँ और मुहावरों के प्रयोग से भी उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया है। लालित्य का मतलब है मधुरता आ गई है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए हैं। अब रोचकता लाने के लिए हास्य और व्यंग्य के प्रयोग भी इनके द्वारा किए गए हैं। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया। वैसे इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु नाम से इनको भारतेंदु, अब देखिए इसका संधि विच्छेद अगर अपने करके देखते हैं, भारत प्लस इंदु, भारत का चंद्रमा यानी कि शीतलता देने वाला, तो उस युग की जनता ने इनको भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया था, इसलिए इनको हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। इनके द्वारा लिखे जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है, उनमें वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। अब इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया था, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे हैं और बहुत सेओं का तो केवल इन्होंने अनुवाद ही किया है। और पाठ परिचय, जो कि हम पाठ पढ़ेंगे, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, तो पाठ परिचय, क्योंकि पाठ परिचय जो है वो पाठ का मूल भाव रहता है। जो हम पढ़ने वाले हैं तो किस विषय में हम पढ़ रहे हैं, उसमें लेखक हमारा ध्यान किस ओर आकर्षित करना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं, तो ये पाठ परिचय के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है।
इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। अब देखिए जो संकलित निबंध है इसमें वो विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है इसमें, और इसमें उस समय की जो सामाजिक जो दशा है और उस समय का जो समाज है उस पर एक व्यंग्यपूर्ण चित्र जो है अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, इस पाठ का वर्ण्य विषय है। यानी कि वर्ण्य विषय मतलब कि वर्णन किया गया इस विषय का कि किस प्रकार से अपने नाम को अमर करने के लिए मनुष्य क्या क्या करता है। समाज धर्मांधता स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था। अब देखिए समाज में धर्मांधता धर्म के प्रति अंधभक्ति स्वार्थपरता और अंग्रेजी शासन की जो अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार से जर्जरित हो गया था समाज उस समय का, जर्जर मतलब विखंडित कह सकते हैं, पीड़ित था, दुखी था, तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्य में चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए शिक्षा को एक पवित्र कार्य माना गया है, लेकिन जो उस समय तत्कालीन समाज में किस प्रकार से शिक्षा को भी एक व्यवसाय का रूप प्रदान कर दिया गया उस पर व्यंग्यात्मक चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो हमारा अध्याय है जो हम पढ़ रहे हैं, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये इसका शीर्षक है। अब अद्भुत आश्चर्यजनक भी है, अपूर्व जो पहले कभी ऐसा नहीं आया सपना, ऐसा सपना जो है जो पहले कभी नहीं आया और आश्चर्यजनक भी है। तो चलते हैं अपने देखते हैं इसमें लेखक हमें किस व्यंग्य की ओर ले जा रहा है, किस उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था में जो एक प्रकार का परिवर्तन था उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है, किस बुराई की ओर हमें आकर्षित करना चाहता है, कि किस प्रकार से जो उस समय की जो स्थितियाँ थीं सामाजिक स्थितियों के अंदर किस प्रकार का बदलाव था जो कि हर प्रकार से हमें परिवर्तित कर रहा था। तो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न उनके द्वारा रचित, भारतेंदु जी द्वारा जो रचित हैं उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने। आज रात्रि को प्रियंक पर जाते ही, अब ये प्रियंक जो शब्द हैं वो संस्कृत का शब्द है, प्रियंक का मतलब पलंग होता है, बिस्तर कहते हैं अपने, कि आज रात्रि को प्रियंक पर जाते ही अचानक आँख लग गई। अब देखिए लेखक कहते हैं कि रात्रि को जाते ही पलंग पर बिस्तर पर लेटते ही आँख लग गई, अर्थात आँख लगना सोने से संबंधित है, और अगर दूसरा अर्थ लिया जाए तो प्रेम से संबंधित भी अपने कह सकते हैं कि किसी से प्रेम अगर हो जाता है तो आँख लग जाना होता। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। अब देखिए ये चलायमान शरीर है और इसका कोई ठिकाना नहीं है, इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है। अब देखिए अपने नाम को अमर करने के लिए व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, तो उसी ओर इसमें ध्यान आकर्षित किया गया है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं, ऐसा कहा भी है, श्वास श्वास पर हरि भजो वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। अब इस दोहे के माध्यम से लेखक बता रहे हैं कि श्वास श्वास पर हरि भजो, कि हमें प्रत्येक श्वास पर हरि अर्थात ईश्वर को भजना चाहिए, ये कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। वृथा श्वास मत खोए, कि हमें व्यर्थ में ही सांस को खोनी नहीं चाहिए, अपने जीवन का जो कोई भी पल है ना तो उसको खोना नहीं चाहिए। न जाने या श्वास को आवन होए न होए, न जाने यह जो श्वास हमें आज आ रही है क्या पता थोड़े समय बाद में आए या न आए। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा, कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। कालवश मतलब समय के वश में जो चंद्रमा है, शशि का मतलब चंद्रमा है, चंद्रमा और सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काले पीछे दृष्टि में आवेंगे, कुछ काल पीछे, यानी कि आकाश में जो तारे हैं वो भी कुछ समय बाद में हमें दिखाई नहीं देंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे वहाँ न रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद बैठे हुए बैठे हैं। अब इसमें लेखक कहते हैं कि सभी जो हैं कीर्ति रूपी जो कमल और संसार रूपी सरोवर में कोई चाहे रहे चाहे नहीं रहे, और सभी जो एक तप्त तवे के ऊपर जिस प्रकार से पानी की एक बूंद गिरती है और वह एक ही क्षण के अंदर विलीन हो जाती है, तो उसी प्रकार से हमारा यह जो नश्वर शरीर है वो न जाने कब विलीन हो जाए।
इसे तो बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। अब देवालय जो है मंदिर के लिए कहा गया है, देव प्लस आलय, देव मतलब देवता का घर, मंदिर को देवालय कहा गया है, देवता का घर कहा गया है। तो लेखक सोचता है कि मंदिर बना के छोड़ दिए जाए। फिर उनके मन में विचार आता है कि थोड़ी देर में ही समझ में आ गया कि इन दिनों सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं, और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। अब अंग्रेजी जो शिक्षा है उसके ऊपर ही प्रहार इसमें किया गया है कि अंग्रेजी शिक्षा अगर चलती रही तो कोई भी मंदिरों की तरफ मुँह तक नहीं करेगा। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी। अब देखिए लेखक के मन में कैसे आ रहा है विचार कि वो अपने नाम को अमर करें। पहले तो वो मंदिर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन वो विचार भी त्याग देता है कि अंग्रेजी शिक्षा से कोई बाद में मंदिर के रोमुख नहीं करे तो फिर क्या होगा। फिर उसके बाद में मन में विचार आता है कि पुस्तक लिखी जाए, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले क्योंकि बनाने की देर ना होगी कि क्रिटिक काट कर आधी से अधिक निकल जाएंगे। अब देखिए लेखक सोच रहे हैं कि अगर किताब लिखी क्या होता, उसको कोई पढ़े या ना पढ़े, कहीं कीड़े वगैरह लग जाएं और उसको निकल जाएं, यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडिली नींद को दो रात पड़ोसी घर भेज आँख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। अब देखिए मन में विचार बार बार आ रहे हैं, और जब हमारे मन में विचार आते हैं ना तो हमें जो अच्छे से नींद भी नहीं आती, हम करवट बदलते रहते हैं। तो इसी भाव को उसने बताया कि मेरी जो लाडली नींद थी जो मुझे जल्दी आ जाती थी, तो दो रात के लिए मैंने पड़ोसी घर भेज दिया। अब पड़ोसी आराम से सो रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है। अब क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो लेखक चाहता है कि उसका जो यश है कैसे संसार में स्थिर रहे। तो लेखक कहते हैं कि मैंने शंभू की सी, शंभू कहा गया भगवान शिव जिस प्रकार से समाधि लगा लेते हैं उसी प्रकार से मैंने भी समाधि लगा ली, अर्थात विचार करने लगा। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अब देखिए इसमें लेखक बता रहे कि 61 या 51 वर्ष जो उसी ध्यान में बीत गए कि मैं अपना नाम किस प्रकार से अमर रखूं। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूछ हाथ में पड़ गई। अब देखिए ये भी व्यंग्यात्मक शरीर की पूछ हाथ में पड़ गई। स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। अब स्वप्न वो स्वप्न ले रहे हैं लेखक जो है, वो सपने में ही प्रभात होते हैं, अब स्वप्न में ही प्रभात हो रहे हैं, और पाठशाला बनाने का जो विचार है वो दृढ़ हो गया है कि पाठशाला बनाई जाए। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मोहरें निकली। अब जब थैली में अर्थात अपनी जेब में कह सकते हैं, या वो जो पैसे रखने के लिए एक छोटी थैली बनाई जाती कोथली जिसको कहा गया है, तो उसमें जब हाथ डाला तो सिर्फ 11 गाड़ी मोहरें थी, यानी कि 11 मोहरें ही उसमें से निकली हैं। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। अब निदान का मतलब होता है उपाय। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। अब कोटि का मतलब होता है करोड़ों, कि ईश्वर को मैं करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ जिसने कि हमारी ये सुन ली है। यदि ईंटों के ठोर मोहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपये और खर्च पड़ते, होते होते सब हरी कृपा से बनकर ठीक हुआ। अब ईंटों की ठोर पर मोहर चुनवा लेते, अब ईंटें जो है ना उसके ऊपर ईंटें आनी प्रारंभ हो गई, सारा कुछ करना प्रारंभ हो गया, तो अगर ईंटों के ऊपर भी मोहर लगवा लेते तो 10-5 रेल जो है ना वो रुपये और खर्च पड़ते, होते होते सब हरी कृपा से ठीक हो गया, ठीक प्रकार से बन गया, विद्यालय बन गया। इसमें व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। अब कैसे देखिए इनके पास में बचत भी हो गई है। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लग गई। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई उसी दिन हमने हिमालय के कंदराओं में से खोज कर अनेक उदंड पंडित बुलवाए। अब देखिए किस प्रकार से बताया कि उदंड जो शरारती हैं और हर प्रकार से किसी का कहना नहीं मानने वाले, ऐसे पंडित बुलवाए, विद्वानों को बुला लिया हमने, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, अनगिनत जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतने अधिक अध्यापक वहाँ पे बुला लिए गए हमने। परंतु मुख्य केवल ये है, पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक। अब ये शास्त्री हैं मुग्धमणि, पंडित मुग्धमणि शास्त्री, वे तर्क वाचस्पति हैं, तर्क में इनको महारत हासिल है, ये प्रथम अध्यापक हैं। पाखंड प्रिय धर्माधिकारी, अब पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र, अब पाखंड प्रिय इनके पाखंड को अधिक मानने वाले हैं,
और अपने आप को धर्म का अधिकारी मानते हैं ऐसे अध्यापक जो धर्मशास्त्र के लिए चुने गए। प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र। अब प्राणांतक, प्राण प्लस अंतक, प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र, यानी कि जो चिकित्सा शास्त्र कह सकते अपने आयुर्वेद से संबंधित जो अध्यापक चुने गए हैं वो प्राणांतक प्रसाद को चुना गया। लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र। अब जो लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण ये अध्यापक हैं ज्योतिष शास्त्र के। सील दावानल नीति दर्पण, सील दावानल यानी कि सील जो है वो अग्नि में जल चुका है, इनके नाम के अनुसार ऐसा प्रकट हो रहे हैं, और ये नीति दर्पण के अध्यापक हैं। सील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या, ये हमारे अध्यापक इसमें चुने गए हैं। तो आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें कि किस प्रकार से ये आगे कार्य बढ़ता है और किस प्रकार से जो लेखक है अपने स्वप्न की जो बात है उसके अंदर एक अपूर्व जो पाठशाला है, अद्भुत जो पाठशाला है जिसके बारे में ना ही तो हमने कभी सुना ना ही हमने ऐसी पाठशाला कभी देखी, तो ऐसी पाठशाला का जो इसमें अध्ययन है वो करवा रहे हैं, और किस प्रकार से शिक्षा जो हमारी है अशिक्षा की ओर हमें अग्रसर कर रही थी, अर्थात किस प्रकार से जो शिक्षा है जो ज्ञान देने वाली थी वो हर प्रकार से हमें आडंबरों की ओर अग्रसर कर रही है, तो उस भाव को इसमें बताया है कि अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति से हर कोई जो है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में डूबने के कारण से, यानी कि उसी के अंदर ही अपने आप को सार्थक मान रहा था, तो उस समय जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी, जो शिक्षा प्रणाली कह सकते हैं, जो शिक्षा का स्तर था वो किस प्रकार से हो गया था, तो उसी पर इसमें चिंतन किया गया है और व्यंग्यात्मक शैली में लेखक ने इसके अंदर वर्णन किया है। तो आज हमने भाग एक के अंदर इसका अध्ययन किया है और कल भाग दो के अंदर हम इनका आगे भी अध्ययन करेंगे। तो आप भी इसको अच्छे से पढ़ें घर पे, क्योंकि ये जो अध्याय है काफ़ी हास्यास्पद है। तो इस इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, आगे कल जो है इसका भाग जो दो है वो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।